प्रसिद्ध कहानीकार वीना वर्मा होरां दी लिखी हुई कहानी है छोटी सरदारनी। तू मेरी कहानी कदों लिखेगी आशा? वो कई बार मैनू पुछदी पर मैं हर वार टाल जांदी। कई बार वो मुँह सजा के चली जांदी ते फिर जदों अगली बार मिलती तो वह शिकवा करती। अजिहा किन्नी ही वारी होया सी। एक बार तो उसने कह ही दिता सी लिखनी है तो लिख दे, मैं ज़्यादा वारी तो कहना नहीं। मैनू लगता जिमें कहती होवे मेरा स्वैटर बुन दे जा झग्गा सी दे। मैनू पता है तू स्वैटर बुनना जानती है जा झग्गे सीने। सीना है तो सी दे, नहीं तो किसी होर तो सिलवा लवां। मेरे अपने इस ख्याल उत्ते मैनू हासा आउंदा पर अज गल मैं हासे विच टाल नहीं सकी सी। अज उस दे लड़के का जन्मदिन सी। मैं उसनू बधाइया दित्तियां। उसने भरी महफल विच यह सवाल फिर दोहराया, मेरी कहानी कदों लिखेंगी? मैनू जवाब ना सुझिया। दो पल सोचण तो बाद मैं कहा, रूपी असल विच मैनू तेरी पूरी कहानी का पता नहीं। शुरू तो मैं कर लवांगी पर खत्म कित्थे करां? नाले मैनू मेरे वर्गियां दियां कहानियां कदे खत्म नहीं हुंदियां आशा। शुरू हुंदियां ने तां चलदियां ही रहिंदियां ने, बेअंत हुंदियां ने, कोई अंत नहीं हुंदा इन्हां कहानियां दा। वो अपनियां कटोरियां वर्गियां अखां बंद करके बोली, फिर भी जदों तक पूरी गल दा पता ना होवे मैनू डर लगदा मैं कोई झूठ सच ना मार बैठा, पिछों तैनूं बुरा लगे। मैं जवाब दिता, बुरा लगन नूं किहड़ा, मैं सती सुवित्री हाँ। जो मेरे हड्डा ने हंडाया है वो लिख मेरा सच। पर तेरा सच मैनू पूरा पता नहीं हाले, मैं कहा। चंगा फिर तू जाई ना, अज रात मेरे कोल ही रही, मैं तेनों अपना पूरा सच दसांगी। वो हुक्म जिहा दे के पार्टी विच बिजी हो गई। अद्धी रात तक जन्मदिन की पार्टी चलती रही। 12 बजे तो बाद वो बेली हो के सोफे उत्ते ही पसर गई। अपने लम्मे काले वाल खोल के उसने खिलार ले। मैं वेख्या लाल रंग का सूट उसके रंग नाल मिल गया सी। गल विच पाई झूठे मोतियां दी माला सिर्फ उसकी लम्मी गोरी गर्दन उत्ते लिपटी होण करके ही सुची लग रही सी। लम्मे लम्मे हाथ पैर अते लम्मा कद, जिमें मेरे सामने इंद्र दे अखाड़े दी कोई अप्सरा बैठी सी। किन्नी सोहनी है वो, पता नहीं क्यों उसनू वेख के मैनू ताज महल याद आ गया। शायद ताज महल जिन्नी सोहनी लगी सी वो मैनू ते उन्नी ही उदास। जिमें मर्द हुंदी ते रूपी नाल जरूर इश्क करदी, मैं सोचिया। कित्थे गुआच गई है? उसने मेरी ध्यान माला तोड़ी। मैं तेरे हुसन दा जलवा देख रही हाँ, किन्नी सोहनी है तू, जी करदा देखी जावां। मेरा जवाब सुन के वो खिड़खड़ा के हसी ते उसके दंद मोतियां वांग चमके। मेरी कहानी भी सुनेगी कि मैनू ही देखी जावेगी? वो मुस्कुराई, हाँ दस। मैं मेज़ ते पैर रखदी हुई ने पुछिया, आशा मैनू पता नहीं कि मैं अपनी कहानी कित्थों शुरू करां, ना ही जिंदगी दा पहला चैप्टर याद है ते ना ही पहला पात्र। बस इन्ना याद है कि मैं एक टुटे हुए घर की पैदाइश सी। वो थोड़ा जिहा रुकी ते मेरे वल देखिया। टुटे हुए घर दी? मैं पूछिया। हाँ, मेरे माँ बाप की आपस में बनती नहीं सी। मैं 10 कु साल की सी जदों असी इंडिया तो इंग्लैंड आ गए। मेरी थोड़ी बहुत पढ़ाई इंडिया विच हुई ते बाकी इंग्लैंड विच। मेरे मम्मी डैडी फैक्ट्रियां विच काम करते सन। डैडी जिन्ना पे पैकेट लैके आउंदा शराब अते गोरियां उत्ते खर्च कर दिंदा ते मॉम नाले डैड दियां गालां खांदी नाले घर दा खर्च चलाउंदी। किसी ना किसी बहाने डैड मॉम नूं रोज़ ही कुटदा सी पर मॉम डैड नूं छड्डण लई तैयार नहीं सी। मैं कई बार मॉम नूं कह दिंदी चल आपां इंडिया चलीए पर डैड ते मॉम नूं पौंडा तो वध हुण कोई चीज़ प्यारी नहीं सी। इंडिया जाना तो दूर, वो इंडिया का ना तक सुनने को तैयार नहीं सन। पर मैं एक दिन लई भी इंडिया नूं नहीं भुली सी। अपने दोस्तां सहेलियां नूं, अपने रिश्तेदारां नूं ते अपने पंजाब नूं। इहो जिही कोई रात नहीं सी कि मैनूं इंडिया का सुपना ना आया होवे। इहो जिहे माहौल विच मैं ज़्यादा पढ़ लिख ना सकी। स्कूल तो बाद मैनू एयरपोर्ट उत्ते काम मिल गया। जिमें घर दी कुटन विचों निकल के
मैं रंग बिरंगे मेले विच आ गई। रोज़ ही हज़ारा मुसाफर जहाज़ों उत्ते चढ़ते उतरते, जिवें रोज़ नवे पंछी आते ते उड़ारी मार जाते। मैं लोगों नूं आते जाते वेखदी, आपस में गले मिलदियां तकदी, तां जिवें मेरे अंदर बहुत कुछ टुट जाता। लोग किन्ने खुश ने, किवें आपस में प्यार करते ने एक दूजे नूं। जदों कोई आदमी तीवी अलग हो रहे होंगे तो एक दूजे दियां बाहां विच समा जांदे। औरत रोंदी ते मर्द भी अखां भर लैंदा। मैनूं लगदा लोग अपनियां पत्नियां ते बच्चियां नूं किन्ना प्यार करदे ने, पर एक साडा घर है जिथे सारा दिन कलेश हुंदा ते भंग भुजदी ए। मैनूं पैसे सोहणे मिलदे सन, पर जिस दिन तनखाह मिलनी मैं उदास हो जाणा। तनखाह मॉम नूं देवांगी। डैड शराब वास्ते पैसे मंगेगा। मॉम कहेगी कुड़ी दे पैसे ने शराबा उत्ते ना रोड़, दोवें जूत पतान होणगे, जिवें पैसा साडे घर दी लड़ाई दी अग विच पेट्रोल दा काम करदा सी। तू सुन रही है ना ध्यान नाल, वो गल करती विचों रुकी, बोली चल रुकना, कहानी दी तंद ना तोड़ी, मैं सुन रही हाँ। मैं इको साहे कह गई। वो अगे दसण लगी, हाँ मैं कह रही सी कि इन्हां ही उदासियां विच दो तीन साल लंघ गए। एक दिन इंडिया जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट लेट सी, मुसाफर बैठे चाह पानी पी रहे सन ते असी सारा स्टाफ उन्हां दी सेवा विच लगे हुए सन। इन्हां ही मुसाफरां विच मैनू मिलिया सी नरेंद्र। मैनू थक्की टुट्टी नूं एक कुर्सी उत्ते बैठी वेख के वह मेरे नाल वाली कुर्सी उत्ते आके बैठ गया। मैं सरसरी नज़र नाल उस वल देखिया, पर देखदी ही रह गई, जिवें उसने मैनू हिपनोटाइज कर लिया सी। सोहणे बंदे तां एयरपोर्ट ते रोज़ ही देखदी सां, पर नरेंद्र लई जिवें सोहणा लफ्ज़ भी छोटा सी। गोरा चिट्टा, मूँह दगदग करदा, घुंघराले वाल, गुलाबी बुल ते दरवेशां वर्गियां अखां, जिवें उस दियां अखां विच्चों कोई सेक आ रहा सी। मैनूं अपना वजूद पिघलदा जापिया। मैं उस दियां अखां विच गुआच गई। वह मुस्कराया, मैं आपे विच मुड़ी, थोड़ा संभली कि उठ के चली जावां, पर मेरे पैरां विच जान नहीं सी। की नां है तेरा, उसने हौली जे पुछया, बहुत निग्गी आवाज सी उसदी। रुपिंदर, मैं जवाब दिता, बहुत प्यारा नाम है, बहुत सोहना, पर इन्ना सोहना ने जिन्नी सोहनी तू आप है। तेरा नां तां तस्वीर होना चाहीदा है जां बहार, तस्वीर जिन्नी सोहनी है तू। जदों वह गल करता तो उस दियां अखां जादू धूड़दियां। तू कित्थे चलिया है? मेरा इन्ने सोहणे मर्द दे मूहों तारीफ सुन के दिल उछलिया, पर मैं उसनों जाहर ना होण दिता। इंडिया, पंजाब, अमृतसर कोल पिंड है मेरा, मेरे माँ बाप उत्थे ने, घर बार जमीन जायदाद पूरा पिंड ही साडा अपना है। मैं इकला पुत्तर हाँ माँ बाप का, बस हर साल दे चार चक्कर इंडिया दे लग ही जांदे ने, वो दस रहा सी। अमृतसर जिथे हरिमंदर साहिब है? मैं कहा, हाँ साडे पिंड तो 10 मील का राह है अमृतसर का। तू गई है कदे हरिमंदर साहिब? नहीं, पर साडे घर हरिमंदर साहिब की बहुत वड्डी तस्वीर लगी हुई है। मेरा बड़ा जी करदा मैं कदे हरिमंदर साहिब जावां। पंजाब जिथे मेरा घर है, जिथे मेरे बाप दादियां दा घर। मैं उदास आवाज़ विच गया, चल अज ही लै चलदा हाँ, उसने मजाक विच गया ते मैं शर्मा के नीवी पा ली। मेरा नाम नरेंद्र है, 7 तरीक नूं वापस आवांगा, तू मैनू मिलेंगी एयरपोर्ट उत्ते? उसने फिर मिलन दा वादा मंगया। पता नहीं, मैं उत्थों उठ के खड़ी हो गई। नरेंद्र चला गया। मेरे लिए 7 तरीक दूर हो गई। भावें कोई गल नहीं सी, पर जिवें घड़ी दियां सूईयां मेरे लिए रुक गईयां। की मंत्र फूक गया सी वो मेरे उत्ते। जदों भी एयर इंडिया दी फ्लाइट आउंदी मैं चारे पासे अखां घुमाउंदी, शायद वो पहला आ जावे, किते वो लंघ ना जावे। अजीब जी तरथली मेरे अंदर मच गई सी। हौली हौली करके 3 हफ्ते लंघ गए ते 7 तरीक आ गई। मैं जानबुझ के किसी दुकान विच जाके खड़ी हो गई कि देखा तो सही वो मैनू लभदा है कि नहीं, जां भुल ही गया है। सारे मुसाफर लंघ गए, नरेंद्र अखीर विच बाहर आया।
उसने चारे पासे नजरां घुमाइया। वह मैनू तलाश रहा सी। 10-15 मिनट इधर उधर घूमता रहा तो मैं मजे लैंदी रही। अपने कोट की जेब विचों रुमाल कढ के उसने अपना मत्था पूंजिया जिथे शायद परेशानी कारण पसीना आ गया सी। अखीर वह बैग चुक के हारे हुए खिडारी वांग गर्दन सुट के तुर पिया। मैं दुकान विचों बाहर आ गई। नरिंदर, मैं पिछों आवाज़ दी। वह रुक गया जिमें हज़ारा गुलाब उसके चेहरे उत्ते इक्को वेले खिड़ पे सन। मैनू पता सी तू जरूर आवेगी, उसने मैनू जफ्फे पा ले। जिंदगी विच पहली बार मैनू किसी मर्द ने अपने कलावे विच लिया सी। उसके शरीर विचों भुब्बल वर्गा सेक आ रहा सी। मैनू लग्या मैं पिघल रही हाँ। खामोश जी उसके नाल लगी रही। चल सामने बैठ के चाह पीते हैं, वह रेस्टोरेंट वालों तुर पिया। मैं जिमें बोली तो गूंगी हो गई सा। उस दियां गल्लां दा हूँ हाँ विच जवाब दे रही सा। वो मेरे लिए इंडिया तो सोने की चैनी लैके आया सी, जिसके लॉकेट विच हरिमंदर साहिब की तस्वीर सी। उसने अपने हत्थां नाल मेरे गल विच वो चैनी पा दित्ती। असी काफ़ी देर उत्थे बैठे रहे ते फिर वो वीकेंड उत्ते मिलने का वादा करके चला गया। मैं हुण आम दुनिया विचों निकल के किसी होर दुनिया विच विचर रही सी। नरेंद्र दे ख्याल दा नशा हर वेले मेरे दिमाग उत्ते सी। उठदे बहिंदे उसे दा ही ख्याल सी। घर दा कलेश, माँ बाप दी चिड़चिड़ ते काम दा प्रैशर, मैं सब कुछ भुल गई। सनिचरवार वाले दिन मैं अपना सब तो सोहना पंजाबी सूट कढ के पाया ते नरेंद्र नूं मिलने चली गई। वो मेरी इंतजार कर रहा सी। सफेद रंग दी मर्सिडीज विच वो कोई राजकुमार लग रहा सी। मैनू अपनी किस्मत उत्ते रश्क होया। असी बहुत देर तक आपस विच गल्लां करदे रहे एक दूजे बारे, एक दूजे दियां हॉबियां पुछदे रहे ते हासा मजाक करदे रहे। मैं उसनू अपनी जिंदगी बारे दस्या कि मैं किन्नी इकली हाँ, मेरे माँ बाप आपस विच एक दूजे दे दुश्मन ने। दुश्मनी दी गल नहीं हुंदी रूप, दरअसल समझण दी गल हुंदी है, अंडरस्टैंडिंग दी। जे आदमी तीमी दा मेल सही ना होवे तां अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती। ये बेमेल जे विआह घड़ीसा घड़ीसी का ही काम हुंदे ने, कोई स्वाद वाली गल नहीं हुंदी। तू सुनिया नहीं, जोड़ियां जग थोड़ियां, नरड़ बथेरे। इत्थे ज़्यादा नरड़ ही ने ते इसका खमियाजा बच्चे भुगतते ने। वो कितने दूर गुआच गया सी। क्यों नरेंद्र, की तेरे माँ बाप भी? मैं हैरान हुई। नहीं, मेरे माँ बाप तो इंडिया विच राजियां वांग रहिंदे ने। वो तो पुराने बंदे ने, जदों विआह लाटरी वांग लगता हुंदा सी। उसने वाइन का गिलास मूँह नूं लाउंदिआं कहा, फिर तू उदास क्यों हो गया? मैं दरअसल अपनी गल कर रहा सी। मेरी ते मेरी बीवी दी कदे नहीं बनी। चंगी सोहनी कुड़ी है वो, बहुत अमीर घर दी, पक्की मेड इन इंग्लैंड। मजाल है उहदे पुछे बगैर घर विच पत्ता भी हिल जावे। मैनू पता है कि वह मैनू बहुत चाहती है, पर मेरे तौर अंदर वह लै नहीं सकी। मैं कदे शिद्दत नाल उसनू प्यार नहीं किया, सिर्फ बच्चियां करके साड़ी मैरिज चल रही है। वह बोलदा बोलदा रुक गया। तेरे बच्चे भी ने नरेंद्र, तू तो वेखण नूं कुआरा लगदा है। मैं हैरान सी। नहीं रूप, मेरा वड्डा लड़का 15 साल का है ते लड़की 10 साल की। मैं भी विआह करवा के इंग्लैंड आया सी। रिश्तेदारी विच्चों ही मेरा विआह हो गया सी। सोचिया सी पढ़ी लिखी सोहनी कुड़ी है बलजीत, मेरी ते मेरे खानदान की कदर करेगी, पर वह मैनू घर के एक समान तो वध कुछ नहीं समझती, जिमें मैं उसका नौकर होवां। मैं अपने घर पूरी सरदारी की है, पर इंग्लैंड आके लगता है जिमें मैं कोई बैया होवां। डार्लिंग डार्लिंग प्लीज़ प्लीज़ करदियां मूँह दुखन लग जाता है। वह समझती है मैं उसका गुलाम हाँ, पर दिलों मैं उसकी धेले की कदर नहीं करता। लोग जानवरों को भी बस में कर लेंदे ने, वो तीवी की हुई जिसने आदमी नूं जितया। बस एक खाली पंजा लैके जी रहा हाँ, बेअर्थ जिंदगी। फिर वो बहुत देर तक चुप रहा। की गल है, मेरे विआह की गल सुन के तेरा मूड खराब हो गया? पर यह भी कि विआह होया जो सिर्फ इकट्ठे रहने लई है, वो होर रूम में सौंदी है
ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਿਲੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਰੀਆਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਧੂਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖੀ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਰਥ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇ? ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਤੀਵੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੇਗੀ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਰਾਧਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਹਰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਰੂਪ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਤਾਂਹ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ, ਉਹ ਫਿਲਾਸਫਰਾਂ ਵਾਂਗ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਧਾ ਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਖੇਲ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਧਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜਾਗ ਪਈ। ਨਹੀਂ, ਰਾਧਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਇਸ਼ਕ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 360 ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਰਾਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ। ਦਿਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋਣਾ ਏ, ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਰ ਕੁੜੀ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੋਹਣਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋੜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਦੀ ਏ, ਰਾਧਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਂਗ। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਮਾਨ ਡੋਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਾਧਾ ਬਣੇਗੀ? ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਰਲਾ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਆਖ ਕੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ। ਕਈ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਵੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਰਾਧਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੜਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਰਾਧਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਪੁਜਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਾਧਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪੁੱਛੀ। ਉਹੀ ਸੀ ਜੋ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜੋ ਦਰਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ। ਉਸਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਯਾਦ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਸਨ, ਕਈ ਵਿਆਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਕਾਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ। ਦਾੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੀ ਉੱਠੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਿੰਨੀ ਨਰਮੋਹੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਸਨੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੁੱਗ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੰਤਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਤੂੰ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਕਿੰਨਾ ਨਿੱਘ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅਕਸਰ ਰਾਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ।
तू अपना अड फ्लैट लै लै। एक दिन उसने मेरे दिल की कही, पैसे मैं आपे देवगा, तू अपनी पसंद का घर देख लै। मैं एक बैडरूम का छोटा जहा फ्लैट देख लिया। नरेंद्र ते मैं दोहां ने मिलके खर्चा किया ते महीने विच ही मैं लैंड लेडी बन गई। नरेंद्र ने घर समान नाल भर दिता। हुण मेरे घर विच ऐश आराम की हर चीज़ मौजूद सी। माँ बाप नूं पता लगा तो बहुत कलेश होया। मैं भज पाया कि तुहाडी लड़ाई करके ही घर छड रही हाँ। नरेंद्र दे प्यार विच मैनू दुनिया का हर रिश्ता बौना जापदा सी। वह हर रोज़ शाम नूं घर जाण तों पहला 2-4 घंटे मेरे कोल गुजारदा। मैं उस लई खाणा तैयार करदी, उसके कपड़े धोंदी, प्रेस करदी ते पूरी औरत बन के उसकी सेवा करदी। मैं नहीं चाहती सी कि जिन्हां कमियां करके वह बलजीत तो दूर होया वह मेरे विच होण। जदों अद्धी रात नूं मैनू छड के जांदा तो कई बार मैं रो पैंदी। रोंदी क्यों है? जिन्ना प्यार सी तेनू दे चलिया हाँ, उस वास्ते की बचिया है? वह मैनू तसली दिंदा। तू मेरा होवेगा कदे पूरे दा पूरा? मैं शिकवा करदी। मैं तेनू पहले दिन ही कह दिता सी कि मैं उस तीवी नू नहीं छड सकदा। जदों वह मेरी गोद विच सिर रख के कहिंदा तो मैं बर्फ हो जांदी। फिर घर तां तेरा उही है नरेंद्र, ते टब्बर भी तेरा उही। मैं तां एवें उधार मंगिया होया रिश्ता हाँ। मैं कदे कदे बहुत उदास हो जाती। मेरा एक दोस्त कहिंदा हुंदा कि मंगी हुई सिगरट, मंगी हुई अखबार ते मंगी हुई तीवी का मज़ा ही होर हुंदा। मैं कदे अखबार ते सिगरट तो मंगी नहीं, पर तीवी जदों वह शरारत नाल आखदा तो मैं उसके कन्न फड़ के खिंच दिंदी। तो फिर मंगी हुई चीज़ किन्ने कु दिन चलती है? आखिर तेरी मालकण तेनू एक दिन मेरे तो खो के लै ही जाएगी। कोई डर मेरे अंदरों उठदा, ओ मेरी मजबूरी है रूप, तू मेरा इश्क। मजबूरी इश्क नू कदे जित नहीं सकी। वो मेरा दिल तरौंदा ते मैं मजबूरी ते इश्क दी इस कशमकश विच सब कुछ भुल जांदी। याद रह जांदा सिर्फ नरेंद्र दा प्यार ते साथ, जिस दे आसरे 7 समुंदर तरन नू मैं तैयार सी। वो फिर किन्नी किन्नी देर मेरे लंबे वाला नाल खेडदा रहिंदा जा मेरे पैर अपनी गोद विच रख के बैठ जांदा। औरत दा चाहण वाला जे उसके कदमां विच बैठा होवे तां उह अपने आप नूं नूर जहां समझदी है ते इस हकूमत दा नशा किसे तख्ते तौस तों घट नहीं हुंदा। इसे नशे विच मैनू पाप पुन सब भुल गए। गर्मियां दीआं छुट्टियां सन। नरेंद्र 2 हफ्ते तों किसे बिजनेस टूर ते गया होया सी। अचानक मेरा दिल घबराया ते मैनू पता लगा कि मैं मां बनण वाली हाँ। मैं अवाक रह गई, समझ ना आई खुश होवां कि उदास, हसा कि रोवां। झटपट नरेंद्र दे दफ्तर विच फोन घुमाया पर हाले वह वापस नहीं सी आया। कई दिन लंघ गए। अजीब जिहा अहसास सी जो बयान नहीं किया जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता सी। नरेंद्र नूं पता लगेगा तो खुशी विच पागल हो जाएगा। मैं छेती तो छेती उसनों एक खुशखबरी देना चाहती सां पर उसका कोई पता ही नहीं लग रहा सी कि वह कित्थे गया है। जदों भी फोन करदी अगों जवाब मिलता जरूरी काम उत्ते बाहर गए हुए ने। अचानक एक दिन सवेरे उसका फोन आया, वह एयरपोर्ट तो बोल रहा सी। मैं फटाफट उसनों खुशखबरी सुनाई। 2 पल लई वह कुछ ना बोलिया, फिर उसने हौली जी कहा, अज दिने अपनी डॉक्टर को जाई, वो सब ठीक कर देवेगी। की ठीक कर देवेगी? मैं समझ ना आई। इस हफ्ते जाके अबॉर्शन करवा, अगे बहुत देर हो चुकी है, होर लेट करना ठीक नहीं है, उसने जिमें हुक्म दिता। अबॉर्शन? पर क्यों? मैं बौखलाई। क्यों ना की मतलब? मैं फारसी बोल रहा जो तेनों समझ नहीं आ रही। नरेंद्र मैनू पहली बार उच्ची आवाज विच बोलिया, पर मैं इस बच्चे नू जन्म देना चाहती हाँ निंदी, ये तेरे मेरे प्यार का सबूत है, सच्चे प्यार का सबूत। मैं अपनी वकालत की। ओ शट अप, मैं पहला ही बहुत दुखी हाँ। एक औरत मैनू पहला ही बच्चों के नाते बथेरा रगड़ रही है, हुण आ दूजी आ गई। वो आपे तो बाहर हो गया।
पर निंदी मैं बोल ही रही सी कि वह बिचों ही दहाड़िया। फजूल की बकवास सुन वास्ते मेरे को टाइम नहीं, मेरे बिजनेस दियाँ होर बथेरिया अपॉइंटमेंटा ने। तू चुप करके डॉक्टर दे जा, जिन्ने पैसे लगनगे मैं आपे देवगा। गल सुन नरेंद्र, मैं माँ बनना चाहती हाँ, तेरे बच्चे की माँ। जदों तू मेरे कोल नहीं होवेगा तो तेरी निशानी तेरी कमी महसूस नहीं होने देवेगी। बेवजह गुस्से ना हो, उल्लू की पट्ठी माँ बनना चाहती है। हजारां औरतां रोज़ माँ बनदियां ने, कोई नवा काम है? तेरे माँ बनने नाल तेरे तगमे लग जाएंगे। बेवकूफ ना बन, अकल तो कम लै, मैनू तेरा सहारा चाहिदा है। तेरे कोल आके मैं जिंदगी दे गम भुल जाता हाँ। फजूल दियां सिरदर्दियां ना दे मैनू, नाले तू कुआरी है, नजायज बच्चे नू समाज कदे स्वीकार नहीं करता, सब हराम दा कहणगे उसनू। तू किते मूँह दिखाउण जोगी रहेंगी नहीं। वो लगातार बोली जा रहा सी, हराम दा क्यों है? तू बाप है मेरे बच्चे दा, अपना विआह नहीं होया तो की? पर रब नू पता है मैं तेरी औरत हाँ। मैं आत्मविश्वास नाल कहा, रबिश, कानूनन मैं तेरे बच्चे दा बाप नहीं हाँ, ते ना ही तू मेरी औरत है। मैनू इमोशनली ब्लैकमेल करन दी कोशिश ना कर, ना ही मैं किसी कोर्ट कचहरी विच जाके कहना कि तेरे बच्चे दा बाप हाँ। तेनू घर लै दिता, सैटल कर दिता, बस इस तो बद मेरे तो उम्मीद ना रखी। तेरे माँ बनने के शौक विच मैं अपना घर पट लवा, लखां दा बिजनेस डोब लवा, मेरे बच्चों उत्ते इस चीज़ का की असर पएगा? सोचा? वह होर भड़क गया। तू जरा सोच के दस, मैं कहा। फालतू गल्लां सोचण वास्ते मेरे कोल टाइम नहीं, नाले मैं अपने बच्चों छुट्टियां विच अमरीका लैके चलिया हाँ, मैनू फोन ना करी। आख के उसने फोन रख दिता। वह हो गया जिसकी मैनू सुपने विच भी उम्मीद नहीं सी। मैं सुन हो गई, विश्वास नहीं आ रहा सी कि नरेंद्र वर्गा बंदा भी इस तरह पिट्ठ दिखा देवेगा। अपने आप उत्ते तरस आया मैनू, की कर बैठी, घरों बागी होके निकली सी, प्यार विच पागल हुई ने समाज की भी परवाह ना कीती ते अपनी सोने वर्गी जवानी नरेंद्र अगे पा दिती। वह हराम का माल समझ के वरतदा रहा ते मौका पैण ते चोरां वांग मूछ पा के भज गया। मैं ना रो रही सी ना हस रही सी, फ्लैट विच मैं इकली बैठी सी। उस फ्लैट विच जिथे मेरिया ते उस दियां फोटोआं थां थां लगियां होईयां सन, राधा ते कृष्ण वांग। यह फ्लैट मैनू कदे मंदर वर्गा लगदा सी, ते अज जिवें इसे फ्लैट विच मैं अपने आप नू किसे कोठे उत्ते महसूस कर रही सां, किसे बेसवा वांग। मैनू अपने आप ते कचाण जी आई, मैं अपने अंदरों हवाड़ जी आउंदी महसूस कीती, जिवें मैं कोई गंदी नाली सी। अपने आप तो नफरत हो गई, जी कीता किसे गड्डी थल्ले जा के सिर दे देवां ते चिट्ठी लिख के रख जावां कि नरेंद्र ने मेरी जिंदगी तबाह कीती है। पर मरना इन्ना आसान कित्थे सी? सोचती हुई मैं कारपेट उत्ते ही लेट गई कि की करां। अचानक दिमाग ने कहा, इन्नी चिंता की केड़ी गल है, जे नरेंद्र ही भज गया तो तेनू ये फाहा गल पाउण दी की लोड़ है? कल नू डॉक्टर दे जाके कहानी खत्म कर दे। जिवें मेरे सिर तो कोई बोझ उतर गया, सोचिया मुड़ उसकी शकल नहीं देखांगी, अपने माँ बाप कोल वापस चली जावांगी, ये फ्लैट भी छड़ जावांगी, कंजरी दा कोठा। मैं नरेंद्र नू गाल कढ़ी। दूजे दिन डॉक्टर दे गई, बुजुर्ग डॉक्टरनी ने मेरे सिर ते हथ रख्या, फिक्र दी कोई गल नहीं, 10 मिनट लगनगे। मैं अगले हफ्ते दी अपॉइंटमेंट लैके वापस आ गई। सिर्फ एक हफ्ते दी मुसीबत सी, फिर मैं फ्री हो जावांगी। फ्लैट छड्डण लई मैं अपना समान जो घरों लैके आई सी इकट्ठा करना शुरू किया। अलमारी ते पिया भारी अटैची केस चुकण लई मैं कुर्सी ते चढ़ गई। अटैची भारा होण करके मेरा काफ़ी जोर लग रहा सी, किते बच्चे नू नुकसान ना पहुँचे। जिवें मेरे अंदरों कोई बोलिया, फिर की है, तू रखना तो है नहीं, चंगा सगों खैड़ा छुट्टेगा। दिमाग ने कहा, नहीं वह होर गल है,
पर इदा उसनू तकलीफ होगी। मेरे अंदरली औरत ने कहा तो मैं अटैची उत्थे ही रख दिता। पता नहीं क्यों इस अंदरली मुसीबत नाल मैनू अचानक ही हमदर्दी जाग पई सी। काम तो मैं 2 हफ्ते दियां छुट्टियां ले लईयां। रज के खादा किते बच्चा भुखा ना होवे। रज के आराम कीता कि जिन्नी देर मेरी कुख विच है उन्नी देर तां आराम नाल रहे। फिर तां मेरा जी भर आया, जिवें मेरे अंदर कोई खड़ौना बनना शुरू हो गया सी। उठदे बहिंदे सौंदे जागदे हर वेले सुरत उस वल रहिंदी, किते कोई अंग ना डिग पवे इस खड़ौने दा। शीशे विच अपना रूप आप ना पछाण सके, किन्नी सोहनी लगदी सी मैं अपने आप नूं। तू मां बन वाली है रूप, हुण तू रचनहारी है। दुनिया का सब तो वड्डा रुतबा तैनू मिल रहा है, तेरे हुसन का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। शीशे विच्चों मेरे परछावे ने कहा, पर यह बच्चा नजायज़ है। समाज किसी नजायज़ रिश्ते नूं स्वीकार नहीं करता। इत्थे कानून दे पैरे ने, मैं परछावे नूं जवाब दिता। रिश्ता कोई भी नजायज़ नहीं हुंदा रुपिंदर, मतलब तो है कि तुसी किसी रिश्ते नूं किन्नी ईमानदारी नाल जींदे हो। परछावे ने अगों बहस कीती, पर मैं इकली समाज बच्चा माँ बाप रिश्ते नहीं मैं ये पार इकले नहीं चुक सकती। बच्चे दे बाप दा होना बहुत जरूरी है। समाज बच्चे दे बाप दा नाम पुछदा है। मेरे बच्चे दे तां मत्थे उत्ते लिखिया होवेगा कि मेरा बाप चोर है। नहीं, मैं अपने स्वार्थ लई बच्चे नूं एडी सज़ा क्यों देवां। मैं शीशे वलों मूँह दूजे पासे कर लिया। गर्भवती औरत वास्ते इस वेले उस बच्चे दा बाप उस कोल होना किन्ना जरूरी है मैनू एहसास होया। सिर्फ औरत नूं इमोशनली ही नहीं सगो बच्चे नूं भी जिवें अंदरों पता हुंदा है कि मेरा बाप कौन है। शायद नरेंद्र दा फोन ही आ जावे कि बच्चे नूं रख लै। ते अपने इस ख्याल ते मैं रो पई। ना नरेंद्र दा फोन आया ते ना मैं फैसला बदल सकी। डॉक्टर कोल जाण तों एक रात पहला मैं गुरुद्वारे गई, अपने पापां दी भुल बखशाउण ते हिम्मत मंगण। गुरुद्वारे विच ढाडी जथा साहबजादियां दी शहीदी दा साका गा रहा सी, जिन्हां नूं नीहां विच चिणिया गया। साका सुणदे वेले मैं बहुत रोई। धन गुरु ते धन तेरे बच्चे। बच्चियां दा की दोष सी? मेरा बच्चा भी कल नूं बेइंसाफी दीआं नीहां विच दब दित्ता जावेगा ते मैं खाली हो जावांगी। जमीन विच्चों जे पौधा भी पुटीए तां मिट्टी जड़ां नाल निकल जांदी है। फिर मैं तां औरत सां, मेरी ते कुख पट्टी जानी सी, आंदरां निकल जाणगीआं मेरीआं। रोंदी रोंदी मैं घर आ गई। घर आ के दूजे दिन डॉक्टर दे जाण दी तैयारी कीती। रात दे 4th दा पहर मैं अध सुती अध जागदी सी, जिवें मेरे अंदरों आवाज़ आई, मां। बेसुरती जिही विच ही मैं मां लफ्ज़ फिर सुनिया, जिवें मेरे नंगे ढिड नाल निक्का जिहा कोई बलूंगड़ा चंबड़िया होया सी। उस दे निक्के निक्के हथ पैर मैं अपने ढिड उत्ते महसूस किते। अपने आप ही मेरा हथ मेरे ढिड उत्ते चला गया। अपने अंदरों मैं कोई जिउंदी जागदी चीज़ महसूस कीती जो हिल रही सी। हनेरे विच मैं अपने अंदर झात मारी, जिवें 2 छोटियां छोटियां अखां मेरे वल तक रहियां सन। मां, उन्हां अखां ने पुकारिया। मैनू ठंडियां त्रेलियां आ गईयां। मैं अपने ढिड नूं घुट के जफ्फी पा ली। मेरे बच्चे, मैं तैनू जन्म देवांगी, माफ़ कर दे, मैं अपने स्वार्थ लई तेरा कतल करन दी सोची। तेरा बाप चोर है बच्चे, पर तेरी माँ तां तेरी माँ है। मेरा सराणा हंजुआ नाल भिज गया सी। अजीब जी शांति मिली सी मैनू, अजीब जी हिम्मत आ गई सी मेरे विच। ते मैं उदों ही उठ के अपना समान इकट्ठा किया। सवेरे ही डॉक्टर नूं फोन कर दिता कि मैं विचार बदल लिया है। मुड़ के कदी पछताई नहीं ते ना ही जिंदगी नाल शिकवा किया कि की हो रहा है। वह फ्लैट छड के मैं किराए के कमरे में चली गई। काम उत्ते जाना शुरू कर दिता
थोड़े दिनों बाद ही मेरा भेद खुलना शुरू हो गया। काम वालिया ने आवाजे कसे, मां नूं पता लगा, उसने बथेरा सिर पिटिया, पर मेरे कन्ना ने जो अंदरों एक बार मां लफ्ज सुनिया सी, जिवें उस तों बाद मेरे लिए दुनिया की हर आवाज़ छोटी हो गई सी। मैं उस आवाज़ नूं शरेआम सुनना चाहती सां। मैं दुनिया दियां उन्हां औरतां बारे किताबां पढ़िया जिन्हां ने इकलियां ने बच्चे पैदा किए सन, शकुंतला ते सीता वर्गियां जिन्हां दे आदमी उन्हां नूं अध बाटे छड्ड गए सन। फिर अमनदीप जम्मिया। जिवें मेरी सारी तपस्या सफल हो गई, ना दुनिया नाल कोई गिला रहा ते ना नरेंद्र की बेवफाई याद आई। अमनदीप नूं वेख के जिवें मेरी सारे संघर्ष की थकावट लै गई सी। औरत जदों मां बन जाती है तो उसले दुनिया के बाकी रिश्ते छोटे हो जाते हैं। नरेंद्र भावें मेरे तो पिट्ठ मोड़ गया सी, पर बच्चे की खबर जिवें उसनू हवा वांग मिली। एक दिन वो आ गया। तेनू किन्ना समझाया सी इस मुसीबत विच ना पै, हुण किन्नी औखी है, उसने हमदर्दी जताई। मैं उसकी गल का कोई जवाब ना दिता। चल जो हो गया सो हो गया, अपने फ्लैट विच वापस चल, मेरा बच्चा किराए के कमरिया विच रुले मेरे तो बर्दाश्त नहीं हुंदा। असी सरदार हाँ, पिंड के राजियां वर्गे हाँ, इहो जी जिंदगी तो साढ़े नौकर भी नहीं जीते। उस दे अंदरला बाप हंकार बन के बोलिया, नरेंद्र ये उही बच्चा है जिस ते पैदा होने की खबर सुन के तू फोन तक करना छड्ड दिता सी, ते जिस दी मां नूं तू राहां विच छड्ड के चला गया सी। नाले मेरी एक गल सुन लो ध्यान नाल सरदार जी, मेरा बच्चा किसी राजे महाराजे का बच्चा नहीं, वो इकली एक मजदूर औरत का मां का बच्चा है। मैं नहीं चाहती कि उसके मन में कोई भुलेखा पवे, इसलिए तू अज तो बाद इत्थे ना आई। मैं उसनू बाहर कढ के दरवाज़ा बंद कर लिया। नरेंद्र कई महीने ना आया। अमन हुण बदलना शुरू हो गया सी। छामी काम तो थकी हारी आउंदी तो उसनू वेख के जिवें मेरे विच नवी जान पै जांदी। थोड़े पैसे फड़फड़ा के मैं अपना घर लै लिया, पर नरेंद्र ने मेरा खुरा खोज कढ लिया ते आके एक दिन मेरे पैर फड़ लए। रब दे वास्ते मेरे गुनाहां दी सज़ा मेरे बच्चे नूं ना दे, उसनू बाप दे प्यार दी लोड़ है। वह कदे कदे अमन नूं मिलन आ जांदा ते मैं देखिया जे कदे नरेंद्र ना आउंदा तां अमन आनी बहानी रोंदा रहिंदा, बुखार चढ़ा लैंदा। मैं बच्चे लई इन्नी बदनामी झल्ली सी ते जिंदगी दाव ते ला दित्ती सी। उसकी उदासी मेरे तो सहारी ना गई। मैं नरेंद्र नूं घर आउण जाण दी खुल दे दित्ती। वह मेरे करीब आउण दी कोशिश करन लगा तो मैं कह दिता, तमीज़ नाल रह, जे बच्चे करके मैं तेनों इस घर विच आउण जाण लई कह दिता है तो इसका यह मतलब नहीं कि मैं फिर इतिहास नूं दोहराउण लगी हाँ। यह ना समझी कि मैं कमज़ोर हो गई हाँ ते मैनू तेरे सहारे की लोड़ है। मैं अपने बच्चे नूं उदास नहीं देख सकती ते तेरा उहदे नाल खून का रिश्ता है, तेरे बगैर वह रोंदा मेरे तो वेख्या नहीं जाता। मैं अग वांग मची। मेरी गलती माफ़ कर दे, उसने अखां भरिया, फजूल मैनू डिस्टर्ब ना कर, तू मैनू कंजरी समझ रखिया, जे तेरे तो निबड़िया नहीं सी तो लाइया क्यों, नाले अज तो बाद मैनू हाथ लाया तो मैं हाथ तोड़ देवांगी, बच्चे नू मिल ते जा। आख के मैं उसनू बाहर दा बूहा दिखाया। वह हमेशा लई चुप हो गया। बच्चा उसकी भी कमजोरी सी, वह चुप चाप आउंदा, बच्चे नाल खेड़दा ते चले जांदा। हुंदी हुंदी गल नरेंद्र दी पत्नी तक पहुँच गई। वह साहो साह होई मेरे घर आई। आउंदे सार पहलां तीन चार थप्पड़ मेरे मूँह उत्ते मारे, फिर मेरे वाल पुट्टे, कंजरीए तेनू मेरा घर ही लब्भा सी पट्टण नूं, थोड़ी खलकत तुरी फिरदी आ किसे होर दे घर विच डाका मारदी, एक आ कीड़ा जम सुट्टिया हिस्सा मंगण नूं। ओ अमन बलबदी, भैण जी मैं भज के अगे आ गई, मैनू जो मर्जी कहो मैं तुहाडी चोर हाँ, पर बच्चा चुप कर, ज़्यादा चंगी बनने की कोशिश ना कर मेरे सामने, मैं जानदी हाँ तेरे वर्गियां नूं, दूजियां दे आदमी सामभना
तुहाडे पुठे हथ दा काम हुंदा है, पर मैं भी कोई गए गुजरे घर दी नहीं हाँ। बड़ी मजबूत चीज़ हाँ, तेरे वर्गियां कई आईयां ते गईयां, पर नरेंद्र नू मेरे तो कोई नहीं खो सकी। मैं उन्हां औरतां विचों नहीं जिहड़ियां घबरा के दूजे दिन तलाक दे दिंदियां ने। मैं समझ लो मेरा आदमी 2 घंटे कंजरी दे कोठे उत्ते जांदा है, अखीर रात नू तां मेरे कोल घर ही आउंदा है ना। तेरे वर्गियां जे 10 भी आ जाण तां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकदियां। बगानी अग उत्ते किन्ने क दिन हड सेकेंगी, आखिर आदमी तां मेरा ही रहेगा। वो बोल बोल के वापस चली गई। मैनू उस उत्ते तरस आया, धोखा उस नाल भी होया सी। मैं सोचिया सी बलजीत कोई बदसूरत जी औरत होवेगी, वो तो काफ़ी सोहनी सुनखी सी। मैं सोच ही रही सा अणजाने विच ही किसी व्याहे बंदे नाल प्यार पा के मैं किन्ना गलत काम किया सी, पर मेरा कसूर की सी? ये तो नरेंद्र ही सी जो बलजीत का नक्शा ही होर खिंचदा रहा मेरे सामने। बलजीत ने सारे शहर में ढंडोरा पिट दिता कि मैं उसके आदमी नूं लुट के खा रही हाँ। एक दिन नरेंद्र कित बहर गया होया सी तो उसका लड़का पिछों आया। मैं बूहा खोलिया, आंटी मेरा डैड अज बहर गया होया है, जे तेरा नहीं सरदा तो मैं आवा अज रात तेरे कोल। वो हसया। मैं की कहिंदी, पर उस दिन तो मैनू बलजीत नाल नफरत हो गई। मेरे लिए तो पैसा पहला ही कुछ माने नहीं रखता सी, हुण तां पैसे वालियां दे चेहरे बुरी तरह नंगे हो गए सन मेरे सामने। मैं बहुत मेहनत करनी शुरू कर दित्ती। मैं चाहती सा मेरा बच्चा बहुत अच्छी एजुकेशन लवे, वधिया स्कूल विच पढ़े ते दुनिया दा बेहतरीन बंदा बने। मैनू हर बंदे ने नफरत कीती है आशा, हर बंदे ने मैनू गलत समझिया। शायद मेरा बच्चा भी बड़ा होके मैनू नफरत करे, पर मैं अपने खून दियां घुट्टां नाल इस नू पाल रही हाँ। इहदे विच सब कुछ इहदे बाप वाला है, उही अखां उही बुल ते उही मुस्कान। जदों एक घंटा घंटा मेरे वाला नाल खेड़दा है जां मेरे पैर फड़ के बैठ जांदा है तां जिवें नरेंद्र फिर मेरे सामने बैठा हुंदा है। नरेंद्र नू तां मैं माफ़ नहीं कर सकदी, माफ़ करन नू किहड़ा, मैं उस नू नफ़रत करनी है। नफ़रत भी उसे नू कीती जांदी है जिस दी कोई कीमत तुहाडियां नज़रां विच होवे। जिहड़ा बंदा नज़रां चों डिग जावे वह नफ़रत दे भी काबल नहीं रहिंदा। हुण तां मैं ते मेरा बच्चा बस यही मेरी जिंदगी है, जे ना हुंदा तां पता नहीं मैं अज कित्थे हुंदी। उसने जिवें कहानी दा अखीर कर दिता। रुपिंदर बच्चा तां तेरा बहुत खूबसूरत है, खास करके जदों मैं उसते केस रखे हुए वेखदी हाँ तां पता लगता है कि तेरा सिख धर्म विच किन्ना विश्वास है। पर तैनूं ये ख्याल किवें आया कि तेरा बच्चा पग बन्ने? मैं पूछिया। आशा, एक बार जदों अमन 5 साल का सी तो स्कूलों आया, रात को मैं जदों उसको सुना कहानी सुना लगी तो बोलिया, मॉम टैल मी समथिंग अबाउट गोल्डन टैंपल। जदों उसने अपनिया निक्कियां निक्कियां बाहां मेरी गर्दन दुआले लपेटियां तो मैनू लगा जिमें मेरा कोई कण पहली बार उस विच जागिया होवे। मैनू बड़ा प्यारा लगा तो मैं दूजे दिन ही इंडिया जाने लई सीटां बुक करवा लईयां। नरेंद्र नूं पता लगा तो बहुत बोलिया, बच्चे नूं कित्थे लैके जावेंगी इन्नी गर्मी विच, बीमार हो जाएगा। पर मेरी जिद अगे उसकी एक ना चली, हार के वह भी नाल ही तुर पिया। वह मैनू अपने पिंड लै गया, मेरे अंदर रोशनी की कोई लीक जी उठी, शायद वह मैनू अपने माँ बाप के घर लैके जाएगा, शायद वह इस रिश्ते उत्थे जाके कोई नाम देवेगा। पर वह मैनू खूह वाले घर विच लै गया। खेतां विच खूह दे लागे एक कच्चा जिहा घर सी ते उत्थे मेहमानां दे ठहरन लई शायद गैसट हाउस बनिया होया सी। मैनू फिर अपनी औकात दा अहसास होया ते दिल विच जिहड़ी रोशनी दी लीक जी उठी सी उह फिर नफरत विच बदल गई। ना उसदे घरों कोई मैनू मिलन आया ते ना उह मैनू घर लैके गया। शायद लोग कहिंदे होणगे बलैतों कोई कंजरी आई हुई है। असी सारा पंजाब घूमे, हरिमंदर साहिब भी गए। आने तो एक दिन पहला मैं अमन नू लैके पिंड दे गुरद्वारे विच मत्था टेकन गई। मेरे नाल घर दी सफाई करन वाली जमादारनी भी सी जो अमन नू हर वेले गोदी चुक के
मेरे नाल चलती सी। आ काका जी कौन ने भाई? ग्रंथी ने नौकराणी नूं पुछया। बलैतो छोटी सरदारनी जी आए ने भाई जी। आ काका उन्हां दा ही है। आख के उसने बाबा जी अगे मत्था टेकया। मेरियां भुब्बां निकल गईयां। मैं जमादारनी दे गल लग के फुट फुट रो पई, जिवें सालां दी बद्धी वेदना हंजुआं दे हड़ विच वह तुरी सी। अमन दे पैदा होण तों बाद अज मैं पहली वार रोई सी। जमादारनी बोली, बस करो सरदारनी जी, सानू किहड़ा पता नहीं, सब समझदे आ पर कह नहीं सकदे। अखे वड्डे बंदियां दियां वड्डियां गल्लां, असी कमीन होए पर पता सब कासी दा है। जट हथ आए तीवी ते जमीन ओ कदे नहीं छड्डदा, मौका मिले तां दूजे दी वी सांभ लैंदा। भला दाइयां तों ढिड लुके ने, मैं क्यों झूठ बोलां, महाराज दे घर विच खड़ी हाँ। पता नहीं वो की बोलती रही, पर मेरे कन्नां विच छोटी सरदारनी लफ्ज़ ही गूंज रहे सन, जिवें जिंदगी दे सारे उलांभे लै गए सन। ते उस वेले मैं फैसला कर लिया सी कि मैं अपने पुत्र नूं सिंह सजावांगी। रब दे घर विच पहली वार मैनू किसे ने पहचानिया सी। शुक्रिया दोस्तों।